अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और ये है शाम 4 बजे का टाइम और हम निकले थे वो करने के लिए सी साइड पे जाके। तो जब हम बाहर निकले तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जो है फिर हमने जो है वॉक करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमने सोचा जब थोड़ा सी साइड पे जाएंगे और बैठेंगे थोड़ी देर, तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं चलो बस जो है हम लॉन्ग ड्राइव कर लेते हैं और गाड़ी में बैठे बैठे घूम लेंगे, क्योंकि फिर सारा दिन से हम लोग कहीं बाहर निकले नहीं थे, तो घर में बैठे बैठे भी इंसान बोर हो जाता है। तो गर्मी की वजह से जो है बाहर निकलना भी वॉक करना भी मुश्किल था, तो इसलिए फिर हमने जो है लॉन्ग ड्राइव का प्रोग्राम बना लिया। और हमने 1 घंटा अच्छा खासा घूम फिर के और उसके बाद हमने जो है टमाटर और धनिया लिया, क्योंकि घर जाके करनी थी कुकिंग शाम के लिए और अभी तो खैर काफ़ी टाइम था। और घूमना फिरना तो वैसे भी अच्छा लगता है, लेकिन देखिए बिल्कुल भी जो है हवा नहीं थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज। हालांकि 2 दिन पहले इतनी गर्मी नहीं थी। अगस्त का एंड चल रहा है, आज है 28 जो अगस्त 28, इतनी ज़्यादा गर्मी अगस्त के एंड तक तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन आज जो है बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस फिर हम निकले बाहर और गाड़ी में बैठ के हमने इंजॉय किया काफ़ी देर घूम फिर के, फिर हम लोग घर वापस आ गए। और बस यही होता है कि जब गाड़ी में बैठो तो अपने यूट्यूब के लिए वीडियो बना लो, बातें कर लो, यहाँ का मौसम बता दो, क्या खाया क्या पिया और अपनी इवनिंग रूटीन शेयर कर लो। तो हम आ गए थे घर वापस और अभी हो रहे हैं 5:30 और 6 o'clock जो है यहाँ असर का टाइम हो जाएगा। तो मैंने शाम की चाय नहीं बनाई और आज मैंने बना लिया था मैंगो मिल्क शेक और उसमें मैंने चीनी की जगह डाल लिया रूह अफ़ज़ा। तो ये जो मैंगो था ये काफ़ी मीठा नहीं था, हल्का सा खटास पता, लेकिन फिर भी शेक अच्छा बन गया। तो हमने जो है शाम में मैंने सोचा जब असर की नमाज़ पढ़ के फिर मैं चाय बना लूँगी, तो अभी मैं जो है ये मैंगो का शेक बना लेती हूँ। तो बस ये मैं बना के और हम पियेंगे, ये इंजॉय करेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे असर की नमाज और जो थोड़ा बहुत काम करना होगा वो करूँगी और फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं चिकन कढ़ाई। तो लेकिन अभी इसके बाद मुझे धोने हैं बर्तन काफ़ी, आज जो है मैंने सारा दिन जो है आज सुबह के बर्तन भी नहीं धोए थे और वो भी मुझे अभी धोने हैं। और ये हो गया था ये मगरिब का टाइम, बाद की जो वीडियो वो मैंने नहीं बनाई, असर की नमाज़ पढ़ी उसके बाद फिर मैंने अपनी पढ़ाई करती रही जो मेरी तफसीर की क्लासेस होती हैं, क्योंकि हमारा टेस्ट है अभी सूरह अनफाल का। तो ये हो गया था मगरिब का टाइम, इस वक्त हो रहा है 7:30 और बस मैं अपना पढ़ाई कर रही थी तो इस वजह से बस थोड़ी बहुत ही वीडियो बनी। और उसके बाद फिर मैंने ये बनाई चिकन कढ़ाई और ये भी बस एक ही झलक है चिकन कढ़ाई की, बाद में इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।